हाय गाइस एंड वेलकम टू द सीरीज जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन लॉ। एंड आज जो हम लोग करियर ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लीगल जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग। नाउ सर, ये लीगल जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग होता क्या है? आप लोगों को पता होगा कि लॉ के फील्ड में जो कोर्ट्स ऑर्डर्स देती है या जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके, वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं एंड मोर ऑफन देन नॉट लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। तो ऑफ लेट एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आई है जो लोग इन समरी को, मतलब इन केसेस को समराइज करके या फिर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको समराइज करके लोगों को प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल बारन बेंच, टैक्स सूत्रा, ये सारी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो, अब जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स सूत्रा में टैक्स से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स पूरे कोर्ट्स दे रहे अराउंड इंडिया, वो लोग उसको समराइज करते हैं सो दैट बाकी के लॉयर्स एंड क्लाइंट्स को इजीली एक्सेस करने को मिल जाए। वैसे ही बारन बेंच जो है वो आपके लॉ से रिलेटेड जो भी हो रहा है इंडिया में, चाहे वो किसी हाई कोर्ट में हो रहा हो, किसी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा हो, मिनिस्टर्स ने कुछ उससे रिलेटेड बात कही हो या कोई नए जज का अपॉइंटमेंट हुआ हो, इन सारे मैटर्स को समराइज करके वो लोग प्रेजेंट करते हैं अपने वेबसाइट में सो दैट पीपल हु आर इन द लीगल फील्ड कैन जॉइन दैट। तो अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो जहां पे यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द कंट्री बट यू आर बीइंग अ मीडियम बिटवीन द पीपल हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड पीपल हु नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग, देन लीगल जर्नलिज्म, लीगल पब्लिशिंग इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि लीगल जर्नलिज्म एंड लीगल पब्लिशिंग क्या होता है? ये वो वाला काम होता है जहां पे जिन लोगों को राइटिंग का फ्लेयर हो, जिन लोगों को लिखना पसंद हो, जिन लोगों को रीडिंग करना पसंद हो, वो लोग एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। उन्हें आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, जो भी कोर्ट ऑर्डर देता है उस ऑर्डर को देखो, एनालाइज करो, समराइज करो एंड अपने डेटाबेस में डाल दो। राइट, ये केवल लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, दे ऑल्सो एट टाइम्स एक्ट एज अ डेटाबेस। सो फॉर एग्जाम्पल मनु पात्रा हो गया या आपका टैक्स सूत्र हो गया, ये केवल इन्फॉर्मेशन पहुंचाने काम नहीं करते हैं, ये डेटाबेस की तरह भी काम करते हैं। सो दैट अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ लीगल जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग। तो आइए देखते हैं कि लीगल जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग वाले जो काम है उसके क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स है। सबसे पहला, इसका एक बहुत बड़ा प्रो होता है कि आप एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो सोसाइटी में। आपको यह चीज पता होना चाहिए कि इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, 1 point some billion से ज्यादा लोग रहते हैं इंडिया में, तो इतने लोगों को लॉ में क्या चल रहा है वो चीज़ पता नहीं होता। राइट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड द कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लॉज, बट एट द सेम टाइम इंडिया में एक्सक्यूज ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको अगर लॉ नहीं पता है तो वो आपकी गलती है। तो आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हो बाई बिकमिंग अ मीडियम जो जो लॉ में एक्चुअली हो रहा है उसको एक लेमैन तक पहुंचाता है और उसको समझाता है कि देखो लॉ में अभी क्या नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। सेकेंड बहुत ज़्यादा फायदा इज ऑफ कोर्स यू गेट टू ब्रिज द गैप, जो अभी जस्ट हम आपको समझाए। नेक्स्ट, आपको काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर मिलने का मौका मिलता है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टॉक्स भी होस्ट करते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स होस्ट करते हैं, ये डिफरेंट इंटरव्यूज होस्ट करते हैं। तो अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो तो हो सकता है कि कल आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लेने को मिल जाए या फिर कल आपको एक लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इंटरव्यू लेने को मिल जाए। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है काफ़ी बड़े बड़े लॉयर्स से, काफ़ी बड़े बड़े लॉ फर्म से, काफ़ी बड़े बड़े कंपनी से, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड रहते हैं। तो वहां पे अगेन आपको नेटवर्किंग का बहुत अच्छा मौका मिलता है, आपको एक्सपोजर का बहुत अच्छा मौका मिलता है। एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट प्रो ऑफ लीगल पब्लिशिंग एंड जर्नलिज्म इज यू गेट अ चांस टू बी क्रिएटिव। अगर आपको राइटिंग बहुत पसंद है, अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हो, इफ यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद है, तो आप अपने उस क्रिएटिविटी को एक्चुअली यूज करके पैसा कमा सकते हो अगर आप इस फील्ड में आते हो। तो एक बहुत 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 बड़ा रिवॉर्ड मिलता है आपको फॉर योर फ्लेयर ऑफ राइटिंग। एंड अगर आपको राइटिंग पसंद है तो ये एक ऐसा टाइप का जॉब होगा जिसको आप साथ में एंजॉय भी करोगे एंड आपको उसके लिए पैसा भी मिल रहा होगा। तो अपने क्रिएटिविटी को अगर आप यूज करना चाहते हो, इफ यू थिंक यू आर मोर ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, यू आर मोर ऑफ अ राइटिंग पर्सन, देन लीगल जर्नलिज्म इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, ये थे कुछ फायदे अबाउट लीगल जर्नलिज्म। अब देख लेते हैं कि कुछ नुकसान क्या क्या होता है। नाउ सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है लीगल जर्नलिज्म में इज दैट आप जब भी स्टार्ट करते हो ना तो आप एकदम लोएस्ट रंग से स्टार्ट करते हो, मतलब एकदम नीचे से स्टार्ट करते हो। राइट, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पर आपके सीनियर्स होंगे, वहां पर कुछ एडिटोरियल पॉलिसीज होंगी, कुछ सीनियर एडिटर्स होंगे। तो ऐसा जहां आपको ऑन वन हैंड क्रिएटिव होने का मौका मिलता है, ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि एट टाइम्स आपने जो लिखा है जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा हो वो उस कंपनी या उस
ऑर्गेनाइजेशन के एडिटोरियल पॉलिसी से अलाइन नहीं कर रहा हो, या फिर आपके जो चीफ या सीनियर एडिटर्स है उनको वो चीज शायद पसंद ना आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा सा पंख काट दिया जाता है, बिकॉज आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज के हिसाब से चलना पड़ता है एंड आपको उन स्ट्रिक्ट एडिटोरियल पॉलिसीज के अंतर्गत रह के ही अपना राइटिंग करना पड़ता है। सेकेंड, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, देयरफॉर आपको इंडिपेंडेंस वगैरह बहुत कम मिलता है। इसका मतलब क्या, आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ज्वाइन करते हो जो ये बोलते हैं या ये क्लेम करते हैं कि वो लोग रेगुलरली डेली इंस्टेंटली अपडेट करते हैं जो भी हो रहा है लॉ में, तो भाई अगर आपका सुप्रीम कोर्ट ने सैटरडे को 4 बजे कोई ऑर्डर पास किया, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट। अगर IT-18 दैट इज इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने यू नो वेंसडे को, जिस दिन आप छुट्टी पे थे उस दिन शाम को कोई ऑर्डर पास किया, आपको वो काम इंस्टेंटली समराइज करके देना पड़ेगा, बिकॉज आपका वर्कलोड जो है वो डिपेंड करता है ऑन वॉट ऑर्डर्स आर बींग पास्ड बाई डिफरेंट फोरा थ्रू आउट द कंट्री। तो आपका वर्कलोड इज नेवर डिसाइडेड बाई यू, आपको पता भी नहीं होगा, और एक दिन हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा काम आ जाए, या फिर हो सकता है कि जिस दिन आपका काम करने का मन हो उस दिन आपके पास ज्यादा काम नहीं हो, तो आपको जो इंडिपेंडेंस है वो थोड़ा कम मिलता है। सेम रीजन के वजह से आपका टाइमिंग जो है वो काफी 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 यू नो फ्लेक्सिबल रहता है, बिकॉज आपको नहीं पता कब कुछ नया हो जाए। रात को 9 बजे हो सकता है लॉ मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकाल दे कि XYZ पीपल हैव बीन अपॉइंटेड एज द जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब आपको उसको समराइज करके इंस्टेंटली डालना पड़ेगा, बिकॉज आप नहीं डालोगे तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली डाल देगा। तो आपके टाइमिंग्स का भी पता ठिकाना नहीं होता है, आपका इंडिपेंडेंस थोड़ा कर्व हो जाता है, छुट्टियां मिलना थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको राइटिंग पसंद है तो ऑल ऑफ दैट साउंड्स टू बी वर्थ इट, राइट। एंड द लास्ट इज, इट्स अ वेरी 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 फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट, जर्नलिज्म इन जनरल इज अ वेरी फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट। क्यों? बिकॉज अगर मान लो इंडिया में कुछ आज हुआ है, हम चाहेंगे कि आप वो न्यूज मेरे को आज ही पहुंचा दो, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप मेरे को 4 दिन बाद वो न्यूज दे रहे हो, बिकॉज तब तक हम कहीं और से उसके बारे में पढ़ चुके होंगे, राइट। तो आपका जो भी हो रहा है पूरे कंट्री के आसपास, आपको उस चीज को बहुत जल्दी एकदम एज सून एज पॉसिबल समराइज करके या जो भी आपका काम है अपने पब्लिक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो जो एनवायरमेंट होता है आपका वर्किंग का, वो काफी फास्ट पेस्ड होता है, आपको रिलैक्स करके आज मन नहीं है करने का बोल के कोई रेस्ट का मौका नहीं मिलेगा। अब ये थे प्रोज एंड कॉन्स अबाउट लीगल जर्नलिज्म एंड लीगल राइटिंग। अगर आपको लगता है ये प्रोज एंड कॉन्स सुन के कि दिस इज समथिंग दैट यू वुड रियली वांट टू डू आगे जाके, तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज आप कर सकते हो अपने आप को इसके लिए तैयार करने के लिए। सबसे पहले यू शुड वर्क ऑन योर रीडिंग, रिसर्च, एनालिसिस एंड राइटिंग स्किल्स। लीगल जर्नलिज्म, लीगल राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कितना जल्दी चीजों को पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिसर्च करते हो, एंड उतना उस कितने अच्छे से उसके ऊपर आप चीजों को लिख सकते हो, समराइज कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इन स्किल्स के ऊपर काम करो। सेकंड, अच्छा, कोई भी इंसान जो जिसके पास फ्लेयर ऑफ राइटिंग है, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकता है, राइट। दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। कंटेंट क्रिएशन इज एन आर्ट, वो एक कला है एंड उसको आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एक कंटेंट राइटर की तरह या फिर अगर आप एक लीगल कंटेंट राइटर की तरह काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने उस आर्ट को डेवलप करो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी लीगल मैटर्स आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स आ रहे हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज करके उन पे अपना ओपिनियन बनाना सीखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर राइटर, व्हेन यू आर अ राइटर एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन देने के लिए रिसर्च करने का मौका बहुत बार मिलेगा। एंड देयरफॉर यू शुड स्टार्ट दिस फ्रॉम योर लॉ स्कूल, स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ क्रिएटिंग एन ओपिनियन, एंड दैट ओपिनियन शुड बी बैक्ड बाय सर्टेन एविडेंसेस, जैसे हम लोग लॉ में हमेशा ही करते हैं। एंड लास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जब लॉ स्कूल में हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि डायरेक्टली लॉ मतलब लॉ स्कूल से निकलो और आपको कोई बहुत अच्छा जॉब लग जाएगा। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी। सो इफ यू थिंक यू आर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट राइट फ्रॉम लॉ स्कूल। यू स्टार्ट प्रमोटिंग योर सेल्फ, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, आप ब्लॉग्स लिखना शुरू करो, आप नेटवर्किंग शुरू करो, गो मीट पीपल, गो स्टार्ट क्रिएटिंग नेटवर्क्स, बिकॉज ये बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में है ये पूरा प्रोफेशन। एंड अगर आप इसमें अपना एक जगह बनाना चाहते हो, द एंट्री इज अ लिटिल डिफिकल्ट। एंट्री मिलने के बाद आप अपने क्रिएटिविटी एंड अपने टैलेंट एंड स्किल से बहुत ऊपर चल सकते हो बहुत आसानी से, बट एंट्री लेने के लिए आपको तैयारी थोड़ी सी पहले से करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारे टिप्स को फॉलो किया एंड आपने यू नो अच्छे से अपने सारे स्किल्स को डेवलप किए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि लीगल जर्नलिज्म में आप एक बहुत 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 ही बढ़िया एंड बहुत ही अच्छा सा फ्यूचर एंड एक करियर बना सकते हो। आपको मौका मिल सकता है फॉर वर्किंग लाइक वर्किंग प्लेसेस लाइक बार एंड बेंच, लेक्सिस नेक्सिस, मनुपात्रा एंड लॉटबस टाइप ऑफ प्लेसेस, राइट। तो अगर आपको समझ में आया लीगल जर्नलिज्म क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है और क्या क्या करना पड़ेगा आपको अगर आपको एक यू नो अपना करियर बनाना है इस फील्ड में, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो टेंशन मत लो, बिकॉज हम लोग आने वाले हैं एक नए ऑप्शन के साथ अपने अगले वीडियो में, जिसका नाम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू।